जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग बताऊंगा कि हम किस टाइप से एमएस वर्ड के अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूजेस कर सकते हैं, हम न्यू बुलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं या न्यू नंबरिंग हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या बुलेट्स के साथ में हम कोई पिक्चर यूज करना चाहते हैं, मतलब बुलेट्स की जगह कुछ सिम्बल्स की जगह पिक्चर यूज करना चाहते हैं तो हम किस टाइप से पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या कुछ नंबर की फॉर्मेट हम कुछ डिफरेंट फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं तो हम किस टाइप से नंबर की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बुलेट्स एंड नंबरिंग पूरा क्लियर कराऊंगा। मैं एलके सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्लड्स एंड नंबरिंग की बात करें तो ब्लड्स और नंबर हम कब और किस टाइम यूज करते हैं। देखिए, ब्लड्स के अंदर तो वैसे हमारे सिंबल्स शो होते हैं, तो वहां पे हमें सिंबल्स मिलते हैं, और नंबरिंग के अंदर हमारे वहां पर नंबर्स। इसको हम जैसे एक एग्जांपल बोला जाए तो ब्लड्स को हम अनऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं और नंबरिंग को हम ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं, तो वहां पर ऑर्डर वाइज चलता है और ये अनऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब हम ब्लड्स यूज करते हैं तो इस ब्लड्स को हम शो कराते हैं, जैसे हमारा कोई पैराफ है तो पैराफ हमें पता चल जाए कि भाई यहां से हमारा एक दूसरा पैराफ स्टार्ट हो चुका है, तो उसका आगे हम क्या एक सिंबल यूज कर देते हैं। और सिंबल हमारा किसी टाइप का भी हो सकता है, कोई भी सिंबल, एरो सिंबल, हैंड सिंबल, या कुछ स्टार के सिंबल, या कुछ हम पिक्चर सिंबल भी उसके अंदर यूज करते हैं, तो तब हम वहां पर बुलेट्स यूज करते हैं। या फिर आप अपने पैराफ को इस सीरियस वाइज दिखाना चाहते हो कि आपका पैराफ 1, 2, 3, 4, 5 या फर्स्ट सेकेंड थर्ड या ए बी सी, इस टाइप से आप दिखाना चाहते हो तो वहां पर आप किसका यूज करते हो, फिर वहां पर नंबरिंग का यूज करते हो। क्लियर? तो वहां पर भी हमारे नंबर्स फॉर्मेट अलग अलग चलते हैं। तो पहले मैं आपको ब्लड्स का यूज दिखाता हूँ, फिर वहां पर नंबरिंग का यूज। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप जिस पैराफ के ऊपर आपको ब्लड्स लगाना है आप उस पैराफ को सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल तो मैं ऑल पैराफ के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए कर देता हूँ, ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर आएंगे पैराफ्स के अंदर, यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्लड शो होंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर आप आएंगे तो इसमें देखेंगे तो आपके ब्लड शो होंगे, ये इस टाइप से आप ए आपका सर्कल के अंदर आपका ओपन सर्कल है, यहाँ पर आप राउंडेड रेक्टेंगल मतलब आपका स्क्वायर है, आप इस टाइप से ये वाले ब्लड्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ गिने चुने ही ब्लड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका कोई एप्लीकेशन है आप उसके अंदर उस अलग डिफरेंट टाइप से ब्लड लगाना चाहते हो तो वो ब्लड्स कहां से इंसर्ट कराओगे, तो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे डिफाइन न्यू ब्लड्स। यहाँ पर आप डिफाइन न्यू ब्लड्स पर क्लिक करोगे, डिफाइन न्यू ब्लड्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, सिंबल्स और पिक्चर। आप कहेंगे तीसरा भी ऑप्शन है फॉन्ट का, लेकिन तीसरा ऑप्शन फॉन्ट का काम करता है, ये सिंबल पे काम करेगा, पिक्चर पे काम नहीं करेगा। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कब और किस टाइम इसका हम यूजेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंबल्स की, कि आप चाहते हो कि आप अपने पैर आपके आगे कुछ सिंबल्स लगाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, और आप चाहते हो कि आपके पैर आपके आगे कुछ पिक्चर्स ब्लड शो हो तो फिर आप क्या है पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे किस पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे तो कुछ सिंबल्स मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं, और आप यहां से इनको आप चेक कर सकते हो एक एक करके कि आपको कौन सा सिंबल चाहिए। जो आपको सिंबल चाहिए वो सिंबल्स आप यहां से ले लीजिए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए कि मैं ये सिंबल शो कराना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पान का सिंबल लिया हुआ है, इसको मैं शो कराना चाहता हूँ, इसको ओके करूंगा, उसके बाद अगेन ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे तो ये मेरा पान वाला सिंबल यहाँ पर आपके आगे लग चुका है, मतलब मेरा ये ब्लड्स लग चुका है। उसके बाद फिर से वापस जाता हूँ डिफाइन न्यू ब्लड्स पे जाता हूँ, यहाँ पर फिर से सिंबल्स पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे तो और सिंबल्स हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप वेबडिंग डालेंगे तो यहाँ पर काफी सारे सिंबल्स मिलेंगे, ये सारे सिंबल्स ही हैं, ये देखो इस टाइप से काफी डिजाइनिंग वाले स्टाइलिश वाले सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। मुझे ये वाला सिंबल चाहिए, इस पर जाऊंगा ओके कर दूंगा, तो आप इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काफी सारे सिंबल्स आप लगा सकते हो, जो भी आपको सिंबल चाहिए वो सिंबल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये मैंने बताया यहाँ पर आप सर्च करेंगे वेबडिंग, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल से आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सिंबल सर्च कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने ब्लड्स लिया है वो सिंबल वाला लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज, कलर, ये सारा हम यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फॉन्ट स्टाइल इसकी क्या चाहिए वो फॉन्ट स्टाइल हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, कलर क्या चाहिए हम कलर दे सकते हैं, अंडरलाइन कलर क्या चाहिए अंडरलाइन कलर दे सकते हैं। तो ये क्या है, इस ब्लड्स के ऊपर ये चेंजिंग होगी, ठीक है। मुझे बोल्ड भी चाहिए तो थोड़ा सा डार्क आएगा, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए हमारे क्या है ब्लड्स के अंदर कलर आ गया, ठीक है, मतलब अपने ब्लड्स को कलरफुल भी यूजेस कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आप यहाँ पर फॉन्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप क्या लगाना चाहते हो, पिक्चर ब्लड्स लगाना चाहते हो, तो फिर ये वाला फॉन्ट वाला ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। तो मैं आता हूँ पिक्चर पर, पिक्चर पर आने का जहां भी आपकी पिक्चर है वहां से आप पिक्चर ले लीजिए। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे ये पिक्चर अपने ब्लड्स पर शो करानी है,
यहाँ पे वेब पिक्चर सिलेक्ट करी, इंसर्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ये पिक्चर आ चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखेंगे तो देखिए तो क्या है, ये मेरी पिक्चर है जो मैं अब पिक्चर इंसर्ट कराई है, वही पिक्चर मेरी क्या है यहाँ पर ब्लर्स में एड हो चुकी है। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपने ब्लर्स के अंदर क्या है पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हो। अभी देखेंगे मैं यहाँ पर फिर से डिफाइन न्यू ब्लर्स पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पिक्चर ली हुई, तो पिक्चर ली है तो इसलिए मेरा यहाँ पर फॉन्ट वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। क्लियर? तो ये फॉन्ट का ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने सिंबल लिए हैं, तो सिंबल को कलर देना, स्टाइल चेंज करना, बोल्ड करना, तब ये काम करेगा, पिक्चर का ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो ये तो हुआ हमारा किसका ऑप्शन, ब्लर्स का। लेकिन मुझे क्या शो कराने यहाँ पर ब्लर्स की, नंबरिंग शो कराने है कि मैं अपने पैर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहता हूँ, नंबर के अकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या आएंगे नंबर्स पर, और यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट ले लीजिए, जैसे 1 2 3 चाहिए मुझे। अब 1 2 3 कैसे चाहिए, ब्रैकेट में चाहिए तो आप ब्रैकेट में शो करा सकते हो, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, आपको ABC चाहिए, ABC स्मॉल चाहिए, कैपिटल चाहिए, आप इस टाइप से यहाँ पर ये नंबरिंग फॉर्मेट ले सकते हो। इसमें भी आपको न्यू नंबर फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पर जाएंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पर आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर और भी आपके फॉर्मेट्स आपको शो होंगे, क ख ग चाहिए, अक एक चाहिए, ठीक है, आप इस टाइप से ले सकते हो, क ख ग, इनके फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कलर देना चाहते हो कलर दे सकते हो, क्योंकि ये एक फॉन्ट है, ठीक है, टैक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर ये काम करेगा, ओके कर देंगे तो आप देखेंगे तो इस टाइप से हमारे यहाँ पर ये नंबरिंग शो करेगा। तो आप इस टाइप से कोई ब्लर चाहिए ब्लर अप्लाई कर सकते हो, नंबरिंग चाहिए आप नंबरिंग अप्लाई कर सकते हो। अभी एक एग्जांपल मान चलिए कि मैंने यहाँ पे ये वाली नंबरिंग दे दी, अब ये नंबरिंग देने के बाद में आप देखेंगे तो मेरी ये नंबरिंग है 10 तक। अब 10 तक मैंने नंबर निकालने के बाद मान चलिए ये जो मेरा पैरा पे मैंने कर दिया इसको प्रिंट, यहाँ पर ये 10 तक मैंने नंबरिंग देने के बाद इस पैरा को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, और मैं कल आके फिर से वर्क करता हूँ। और वर्क करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि जहां तक मैंने 10 तक ये नंबरिंग निकाली हुई है, अब आगे के पैरा आप मुझे प्रिंट करने हैं, आगे के पैरा आप मुझे बनाने हैं, और मैं चाहूं तो वो नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेट नंबर वैल्यू, यहाँ पर आप सेट नंबर वैल्यू पर आएंगे और आपको यहाँ पर कितने वैल्यू से स्टार्ट करना है, मतलब कौन सी वैल्यू से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो मुझे कहां से स्टार्ट करनी है, 11 से, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया 11, उसके बाद कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर नंबर फॉर्मेट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 11 से। तो इस टाइप से आप कहीं बीच में से भी नंबरिंग फॉर्मेट स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बीच से भी नंबर फॉर्मेट स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ब्लर्स एंड नंबरिंग का यूजेस बताया, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय श्री राम।